अस्तु विद्या सदा पुष्पो विद्या भाई साहब डॉक्टर बलराज सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पर्यावरण फैकल्टी ऑफ फायर ब्रिगेड ड्यूटी विद परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट जयपुर राजस्थान। डॉक्टर कुछ बाबू का नाम बहुत अच्छे से सुना क्योंकि हमारा जो प्रदेश होना है ज़्यादा कम बच्चे गाँव से भी आस पास बबूल का पेड़ जीरो तो बबूल का पेड़ सब देखता हूँ ठीक है। तो बबूल है अकेशिया आर्यवेदा दो तीन महीने में होता है इसका अकेशिया आर्यवेदा ठीक है। तो और इसकी जो फैमिली है लेगुमिनेसी फैमिली अकेशिया आर्यवेदा और फैमिली लेगुमिनेसी और सब फैमिली इसकी बहुत मशहूर है बिल्कुल इसका है तो इसके बबूल बोलते हैं इसको टिंकी रात टिंकी रात रुकन करते हैं दो कांटे एक साथ होते हैं बच्चों के ऊपर इसलिए इसको रुकन करता है इसके अंदर दो कांटे एक साथ होते हैं तो इसको रुकन करता कहा जाता है। दृढ़ आरोप शाखाएं इसकी मजबूत होती है इसलिए इसको दृढ़ आरोप कहा जाता है। सूक्ष्म पत्ते छोटे पत्ते बना होते हैं पत्ते इसके बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं जिसके ऊपर से एक रुकेंगे इसके आप पत्थर को या पत्थर को देखेंगे तो बहुत सूक्ष्म पत्ते पत्ते उसके होते हैं ठीक है। तो ये सूक्ष्म पत्र भी इसको कहा जाता है। माला फल फल अनेक खंडों में विभक्त होता है और ये भी माला के उसकी जो कली होती है वो अनेक खंडों में माला अपने नीचे से मोटी होती है ठीक है वैसे विभक्त होता है तो उसको माला फल भी कहा जाता है। हिंदी में अपने इसको बबू या कीकर कहते हैं बबू कीकर के नाम से अंग्रेजी में भी स्वरूप इसका झाड़ीदार कंटकित सदाहरित वृक्ष होता है 25 से 30 फुट ऊंचा वृक्ष होता है इसका जो आप बबूल देखेंगे वो 25 से 30 फुट ऊंचा वृक्ष होता है। कांड को देखें इसकी तो गहरे भूरे काले रंग की होती है ठीक है। शाखाएं सरल झुकी और कंटकित होती है इसमें कांटे होते हैं ठीक है और कांटे कैसे होते हैं सीधे सफ़ेद दीक्षणा रूप होते दो जगह पर पत्र में आधा से 2 इंच लंबे पर 3 से 6 जोड़े पक्ष होते हैं जिनमें 1/8 से 1/4 इंच लंबे पत्रक 10 से 20 जोड़े होते हैं। आप अगर पत्रक देखेंगे 10 से 20 जुड़े बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पत्रक आ गया इसमें ठीक है। तो छोटे छोटे पत्र इसमें पाए जाते हैं तो पत्र के मध्यदंड पर सबसे ऊपर और सबसे निचले पक्षों को मूल में कठोर आकार की ग्रंथि होती है। पुष्प मुंडक बच्चों इसको दिखाएं आपको ठीक है। ये पुष्प मुंडक पुष्प से देखो ठीक है। तो ये पुष्प मुंडक आधा से इंच 1 इंच व्यास के आधा से 1 इंच व्यास का पुष्प मुंडक है ठीक है। और छोटे अक्षीय पुष्प मुंडों जिन पर पुष्प मधुर गंधी पीले रंग के मधुर गंधी है और पीले रंग के कलर इसका कहते हैं येलोइश है ठीक है। पुष्प दंडों के मध्य भाग में कुछ ऊपर 2 गौण पुष्प होते हैं ठीक है। और इसमें फली बच्चों रखती है इसमें 3 से 6 इंच लंबी होती है लंबी फली होती है जो माला फल इसको कहा गया है जिसमें फली रखती है उसमें बीच में 3 से 6 इंच लंबी होती है आधा इंच चौड़ी होती है चपटी श्वेता गोमन ऐस इसके भीतर 6 से 12 इंच होते हैं। बीजों के बीच बीच में फली अत्यधिक संकुचित होती है अगर सितंबर इसमें पुष्प होते हैं तो जन्म के लिए फल लगता है। जाति बबूल की 3 भेद हैं तेलिया बबूल यह वृक्ष मध्यम आकार का होता है। कोड़िया बबूल वैरायटी इसकी बेलियाना इसका वृक्ष छोटा होता है और छाल बकरी होता है बेदा को खाता है। और दूसरा राम काटा बबूल वैरायटी है इसकी इसकी शाखा ऊपर की ओर उठी झाड़ू के दृश्य होती है। ये पंजाब राजस्थान और पश्चिम बंगाल उत्पत्ति स्थान देखिए तो ये भारत में सर्वत्र पाया जाता है। उत्पत्ति स्थान भारत में ये सर्वत्र पाया जाता है। रासायनिक संगठन देखें इसमें तो इसमें 7 से 12% क्षार द्रव्य होता है। पलीर में 12 से 19% टैनिन पाया जाता है। कांड से एक निर्यास निकलता है जिसे बबूल गोंद कहते हैं। बबूल गोंद जिसमें गोंद के लड्डू ये वगैरह बनते हैं ठीक है। ऐसा गोंद निकलता है इसको गम अरेबिक कहते हैं ठीक है। गम अरेबिक अकेशिया सैनेगर बबूल का गोंद निकलते हैं खिचड़ी के गोंद होते हैं उससे बनते हैं बबूल के लड्डू बनते हैं। गम अरेबिक है ठीक है। ये जो इससे निकलता है बबूल से तो अकेशिया सैनेगर नामक गोंद से प्राप्त होता है। अरब देशों और अफ्रीका से आयातित होता है। इंडियन गम अरेबिक बबूल की गोंद को कहते हैं। ये समान प्रजाति गोंद है कुछ अन्य पौधों की गोंद भी मिली रहती है। गोंद का संग्रह मार्च मई मास में किया जाता है। बबूल गोल या अंडाकार लगभग 1/2 इंच के हल्के पीले गहरे भूरे रंग के गम के रूप में प्राप्त होता है। यह जल में पूर्ण विलय है। गोंद में मुख्यतः गैलेक्टो अरेबन ठीक है गैलेक्टो अरेबन होता है। इसे जलाने पर 1.4% ड्रग प्राप्त होती है जिससे अरेबिक एसिड कैल्शियम और मैग्नीशियम ये होते हैं सब कुछ इसके अंदर।
अब जो इसके गुणों की बात करें तो गुरु के गुण हैं, तो ये गुरु और मोक्ष होता है। गुरु कैसा होता है, गुरु है और मोक्ष है, दोनों गुण है इसके अंदर, गुरु भी है और मोक्ष भी है। रस इसका कषाय, रस इसका कषाय है, विपाक इसका तत्व है और वीर इसका शीत है। ठीक है, ध्यान रखना, गुण इसके गुरु और वृक्ष है, रस इसका कषाय है, विपाक इसका कटु है, वीर इसका शीत है। तो निर्यास स्निग्ध, और इसमें से निर्यास का गुण निकलेगा वो कैसा होगा, स्निग्ध होगा, मधुर कषाय होगा, मधुर विपाक होगा और शीत वीर होगा। ठीक है, इसके गुणों में और इसका जो गुण निकलता है उसके गुणों में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इसका विपाक कटु होता है, ठीक है, गुरु का, और जो इसका गुण होता है उसका विपाक मधुर होता है। ठीक है, दोष कर्म इसके शामक का देखें तो कफ पित्त शामक है। ठीक है, और जो इसका निर्यास है वो वात पित्त शामक है। संस्थानिक प्रयोग देखें तो ये रक्त रोधक तरण रोपण क्षमता नरम संकोचक है। ठीक है, तो बबूल से रक्त स्त्राव अग्नि दग्ध और व्रणों में पत्तियों का क्यों सकते हैं, किसी तरह की कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, या अग्नि दग्ध हो, कहीं जला हो और या फिर कोई अल्सर बना हो, तो पत्तियों का क्यों उसमें छिड़कते हैं, इससे प्रदर में छाल की कौल से बस्ती देते हैं। ठीक है, प्रदर हो जैसे ये रक्त स्तंभक है तो प्रदर के अंदर इससे कौल की बस्ती देते हैं। गुद भ्रंश में छाल के कौल से बहिष्कृत करते हैं, रेक्टल प्रॉब्लम्स हो गए हैं तो उसमें क्या करेंगे, अपन छाल के कौल से परिषेक करेंगे। वो दंत व गले के रोगों में छाल के कौल से गंडोज करते हैं। ठीक है, इसका ब्रश के रूप में भी यूज किया जाता है, इससे दंत मजबूत और वाइटिश रहते हैं, तो उसका जो मुख दंत और गले के रोग में छाल के कौल से गंडोज शुरू करते हैं। इंटरनल यूज देखें इसका, तो छाल और फलि स्तंभन और त्रिभुज में निर्यास सहन और ग्राही है। ठीक है, इसका देखें तो ये स्तंभन होने से अतिसार प्रवेवता आर्ष कमी में और तथा फली का प्रयोग करते हैं, पोस्टगत रोक्षण गोंद लाभ करें। ठीक है, इंटरनल अगर ड्राइनेस है तो पोस्टगत रोक्षण में इसकी गोंद लाभ करें। रक्त व संस्थान में रक्तपित्त शामक है, ये श्वसन संस्थान में कपट है, मूत्र व संस्थान में गोंद मूत्र है, प्रजनन संस्थान में निर्यास मधुर स्लिप्त होने से दृश्य है तथा फली स्तंभन है, गर्भाशय के शोक और श्राप को दूर करता है। यानी कि अगर मूत्र संस्थान है तो छाल के द्वार में प्रमेय है और गौण मूत्र पक्ष में देते हैं, छाल का द्वार प्रमेय है और गौण इसका मूत्र पक्ष में देते हैं, प्रजनन संस्थान में देखे थे शुक्र द्वार में लोग निर्यास करते हैं, इसे इसका गौण किसमें देते हैं, शुक्र द्वार में लेते हैं। कच्ची फली को सुखाकर उसके चूर्ण में चीनी मिलाकर शीघ्र बदन उसका अपन दोष में देते हैं। कच्ची फली को ड्राई के लिए इसका शुक्र शोधन चूर्ण होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, वो इसी की फली से बनाए जाते हैं, तो ये शीघ्र बदन और शुक्र दोष में कार्यकारी है। रक्त तथा श्वेत प्रदर में छाल और फली का प्रयोग करते हैं। स्किन डिजीज में ये लाभकर है, तापक्रम में पैतृक प्रकार में उपयोग भी होता है, प्राथमिक क्रम में गौरवर्य में गोंद का मोदक बनाकर और विषों में छाल का स्वाद होता है। तो गुर्दे के लिए अगर वीकनेस है तो इसकी जो गोंद है उसके लड्डू बना के खिलाते हैं और विषों में इसकी छाल में स्वाद होता है। प्रयोजन में इसका त्वक है, इसका फल है यानी कि इसकी जो फली है वो है और इसका निर्यास है, ये सभी इसके प्रयोजन है। मात्रा इसकी त्वक क्वाथ देना है तो 50 से 100 घंटे का वो दे सकते हैं, अगर इसका क्वाथ देना है तो 50 से 100 घंटे दे सकते हैं। फल जो फली का अगर अगर फूल बना के दें तो 3 से 6 ग्राम तक, तो निर्यास अगर इसका गोम देना है तो 3 से 6 ग्राम तक दे सकते हैं। विशिष्ट योग में देखा जाए तो बबुलारिस्ट एक अरिष्ट बना हुआ था, आशा और अरिष्ट बबुलारिस्ट करता है। इसके अलावा लवंगाधिपति जो काश रोगाधिकार के अंतर्गत आती है, लवंगाधिपति उसमें भी बबुल क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। तो जो भाव प्रकाश के लिए इसने लिखा है कि बबूल कफ मुख ग्राही पुष्ट कर्मी विषाक है। ठीक है, कफ मुख है, कफ का नाश करने वाला है, ग्राही है और पुष्ट कर्मी विषाक है, पुष्ट का कर्मी है और विष का नाश करने वाला है। बच्चों इस तरह से देखा एशिया रवि का, ठीक है, आप इसको अच्छे से और पढ़ें, इसलिए मैं कन्फ्यूज हो कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं तो आप क्लास में पूछें। थैंक यू बच्चों।